कौन बनेगा करोड़पति से? नए सीजन की शुरुआत हो गई है, तैयारियां, आप भी हो जाइए तैयार। इस बार आप केबीसी ऑफिशियल ऐप और केबीसी वेबसाइट से भी भाग ले सकते हैं। जवाब देने के लिए आप फ्री केबीसी ऑफिशियल ऐप स्टोर से डाउनलोड कीजिए। अपना मोबाइल नंबर, जवाब, उम्र और जेंडर चुनकर भेज दीजिए। ऐप डाउनलोड करने के लिए एसएमएस कीजिए केबीसी ऐप 2525252525 पर, या आप www.kbcsony.com से भी रजिस्टर कर सकते हैं। जानते हैं, इस बात को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है हमारे पास, किंतु हम निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि कुंवर प्रताप अजब देव को चाहते हैं। असंसा भाई जी, ऐसे सपने देखा ना कीजिए, और ऐसे सपने अपनी बेटी को भी मत दिखाया कीजिए। ऐसे सपने बनते ही हैं टूटने के लिए। जब ये सपने टूट जाएंगे ना, आपकी अजब दे भी टूट जाएगी, बिखर जाएगी उसकी आस। हम जानते हैं बचपन से आज तक उसने कोई बड़ा सुख देखा नहीं है, फिर क्यों देना चाहती हैं आप उसे ये दुख? बस सर भाई जी, हम जानते हैं बचपन से आज तक दो मीठे बोल बोल नहीं पाए उससे, हमेशा कठोरता से व्यवहार किया है उसके साथ, और जब हमें भान हुआ उसके साथ हम अन्याय कर रहे हैं, तो रिश्ते इतने बिगड़ चुके थे कि अच्छा व्यवहार संभव नहीं था। भीतर ही भीतर कुलबुलाते रहे अपराध बोध, हमेशा कठोरता का बाना ओढ़े बैठे रहे, कभी उसकी क्षमा नहीं मांग पाए। बहुत सहा है अजब दे ने। नहीं हंसा भाई जी, यदि मेवाड़ ने यह रिश्ता ठुकरा दिया तो अजब दे और नहीं सह पाएगी, इसलिए बेहतर होगा कि कुंवर प्रताप और अजब दे का यह संबंध हम यहीं भूल जाएं। और आपकी बेटी अजब देश को ही ले लीजिए। कहां कुंवर प्रताप और कहां अजब दे? है कोई तालमेल? बड़े बड़े राजघराने से बड़े बड़े रिश्ते आ रहे हैं, और हम ठहरे राणा जी के छोटे से सामंत। अजब दे, पता नहीं पोपली मेरा कहां काजल रख दिया। हमें आपसे एक विशेष बात करनी है, आप आइए हमारे साथ। आइए, अजब दे, हम जानते हैं आप कुंवर प्रताप को बहुत पसंद करती हैं। राणा उदय सिंह जी ने कुंवर प्रताप की विवाह की बात सोची, ऐसे में हमें लगता है कि आप दाता को कहिए कि हमारी नाम की जगह फूल का नाम सुझा दें। क्या ये क्या बोल रही हैं आप अजब दे? ठीक ही तो बोल रहे हैं अम्मा। ओह, तो आपने अपने दाता जी की सारी बातें सुनी है ना? सारी बातें सुन लिया और हम सहमत हैं, हमें बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ, बल्कि आप इस सुझाव के बारे में एक बार सोचिए। कुंवर प्रताप और फूल की जोड़ी को कोई भी नहीं नकार सकता है। मारवाड़ की राजकुमारी और मेवाड़ का राजकुमार, यदि दाता इसका सुझाव देंगे तो राजपुताने में इन दोनों प्रमुख राज्यों में दाता का मान बढ़ जाएगा। ये क्या बोल रही हैं आप अजब दे?
फूल कवर और कुंवर प्रताप की जोड़ी। हाँ माँ, आप हमारा मन पढ़ते पढ़ते इतनी व्यस्त हो गई कि आप फूल की मन की बात को समझ ही नहीं पाई। फूल केवल कुंवर प्रताप के बारे में सोचती रहती है आजकल। और ये आपको कैसे पता? फूल ही ने हमें बताया था। और कुंवर प्रताप क्या अभी भी ऐसा चाहते हैं? पता नहीं, पर उनकी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। फूल को ना कौन बोल सकता है? जो जो गुण कोई अपने योग के साथी में ढूंढना चाहता है वो सब है फूल में। और सोची कुंवर प्रताप के लिए सारे राजपुताने में राजकुमारियां ढूंढी जा रही हैं। और सबसे सुंदर, सबसे बड़े राज्य की राजकुमारी बिजुलिया में कुंवर प्रताप के सपने देख रही है। और आप, आपको इस बात का बिल्कुल दुख नहीं होगा? हर कोई सूरज को अपने आंचल में नहीं समेट सकता है। हमारे कुंवर प्रताप एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है, फिर किस बात का दुख? अब इसी बात का डर था कि कहीं आपके सपने ना टूट जाए। चुप कीजिए, हमारी मां मरने की कोशिश मत कीजिए। हम समझ सकते हैं आपके मन की पीड़ा। क्या फूल और प्रताप का रिश्ता? हाँ, ये बहुत अच्छा विचार है। मेवाड़ और मारवाड़ में संबंध होगा तो राजपुताना में शांति बनी रहेगी, और मुगलों की हिम्मत भी नहीं होगी कि वो राजपुताने की ओर आंख उठाकर भी देखे। राव मामरक जी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। राव मालदेव जी भले ही मर जाएंगे लेकिन अपनी पोती का रिश्ता मेवाड़ कभी नहीं भेजेंगे। मेवाड़ और मारवाड़ में तो सदियों से शत्रुता चली आ रही है। आप हमें इतिहास मत पढ़ाइए, ये राजपुताने के भविष्य का प्रश्न है, इसलिए हम फूल कवर का रिश्ता मेवाड़ अवश्य भेजेंगे। किंतु क्या राणा उदय सिंह जी मानेंगे इस रिश्ते के लिए? उसका उपाय है हमारे पास। हम फूल कवर बाईसा को कुंवर प्रताप के साथ मेवाड़ भेजेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि राणा जी और महाराणी जी का मन फूल कवर अवश्य जीत पाएंगे। ये सब क्या हो रहा है? वही जो आप चाहती थी फूल। हाँ, पर हमें लग रहा है कि ये सब बहुत जल्दी हो रहा है। हम नहीं जानते थे कि आप हमारी बात को इतना जल्दी आगे बढ़ा देंगे। अच्छा, हमें लगा कि अपनी मन की बात को आपने हम तक पहुंचाने में बहुत देर कर दी, और इसीलिए हमने सोचा कि यदि आपकी मन की बात को हमने सही दिशा में आगे नहीं बढ़ाया तो बहुत देर हो जाएगी फूल। अच्छा दे, एक तो पहले ही बहस है हमारे हाथ पाँव फूल रहे हैं, और आप है कि पहेलियाँ बुझा रही हैं हमसे। आनंद आता है इन्हें पहेलियाँ बुझाने में फूल। कभी कभी तो हमें भी समझ में नहीं आती इनकी पहेलियाँ। हमें लग रहा था कि या तो आप आएंगी हमारे पास या फिर हमें बुलाएंगी अपने पास, पर आपने इन दोनों कार्य में से एक भी कार्य नहीं किया। आपको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि आपने जो हमारी माला को अस्वीकार किया था उसके लिए हम आपसे एक सार्थक कारण सुनना चाहते हैं। जब दे क्यों मना किया था आपने हमारी माला के लिए? क्योंकि हमें वो माला नहीं लेनी थी। परंतु क्यों? हमें लगता है दादाजी और सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपको जाना चाहिए। कृपया करके आप भी फूल कवर के साथ मेवाड़ चले जाएं, चित्तौड़ चले जाएं। कौन जा रहा है चित्तौड़?
क्या हुआ, आप लोग अचानक चुप क्यों हो गए? नहीं नहीं कुंवर प्रताप, ऐसी कोई बात नहीं, वो राणा जी ने आपको तुरंत चित्तौड़ बुलाया है। हाँ, और फूल कवर भी चित्तौड़ देखना चाहती हैं, इसलिए आपके साथ उन्हें भी भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं। फूल कवर भी चल रही है हमारे साथ चित्तौड़? चित्तौड़ रवाना हो रही है फूल कवर, वो भी प्रताप के साथ। पर क्यों? चाहपना, मैंने सुना है कि चित्तौड़ में प्रताप के निकाह की तैयारियां चल रही है और राव मामरक जी चाहते हैं कि प्रताप का निकाह राजकुमारी फूल कवर के साथ हो। या! हमारे सामने इस खतरनाक बात कहने की। सब्र शहंशाह, सब्र। गौहर सिर्फ एक खबर लेकर आई है हमारे पास, सब्र कीजिए। फूल कवर हमारी है और ता कयामत हमारी ही रहेगी। अगर वो हमारी नहीं हो सकी तो वो किसी की भी नहीं हो पाएगी। इंशाल्लाह इस बार राजकुमारी फूल कवर आपकी ही होगी और उनके साथ आपका निकाह। खबरदार गौहर, खबरदार, अगर तुमने खामखा जलाल के जज्बात भड़काने की कोशिश की तो। हम कोई बच्चे नहीं है खान बाबा, फूल कवर को तो हम हासिल करके ही रहे, चाहे इसमें आप हमारा साथ दें चाहे ना। हाँ तो क्या कहना चाहती थी आप? बहुत बेखौफ है बुजुर्ग, मैंने सब पता लगा लिया है कि प्रताप किस रास्ते से चित्तौड़ जाएगा। मैं आपको बता सकती हूँ कि वो कब जाएगा, कैसे जाएगा और कौन कौन उसके साथ जाएगा। गौहर जान, बस करो, पागल मत बनो तुम। खान बाबा, हम अभी इसी वक्त रवाना होंगे। नहीं जलाल, चाहते क्या है आप कि हम यहाँ खामोशी से फूल कवर और प्रताप के निकाह का इंतजार करें? वो प्रताप हमारी मोहब्बत को चित्तौड़ ले जा रहा है, उस खबर को खामोशी से सुनना कितना तकलीफ दे है ये नहीं जानते आप खान बाबा, ये नहीं जानते आप हमारी हिफाजत की फिक्र कमजोर बना रही है खान बाबा। हमें उस बैरामदार को फिर से देखते जो अपने शहंशाह की अच्छी बुरी हर ख्वाहिश को पूरी करने के लिए अमादा रहता है। कहां गया वो बैराम खान? ठीक है जलाल, क्या है आपकी चाल बताइए। पूरी तैयारी की जाए प्रताप को मारने के लिए। जेल सब क्या है? इतने सारे हत्यार, ऐसा लग रहा है आप अपने घर नहीं कोई युद्ध भूमि में जा रहे हो युद्ध लड़ने। और वैसे भी अफगानों को हराने के बाद तो शांति ही शांति है चारों ओर। हो सकता है कि इस समय हमें शांति दिख रही है, पर भविष्य का क्या विश्वास? इसीलिए हर समय पूरी तरह से तैयार रहने में ही समझदारी है। कहीं फूल कवर के साथ चलने के समाचार से तो नहीं आपका मन उदास हो गया? इस समय हास परिहास करने का बिल्कुल मन नहीं हमारा भी निकास। अच्छा भीम, अब हमें बात समझ में आई। लगता है बाबूजीराज को पता नहीं चला कि अजब भी उनके साथ चित्तौड़ चल रही है कि नहीं। और अगर अजब भी उनके साथ नहीं गई तो फिर कौन संभालेगा फूल के नखरों को? बस, 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 बस।
बहुत हो गया हंस परिहास। मान ही नहीं सकते, आपने महारानी जयवंत बाई जी का लहंगा पहना था और वो लहंगा आपको इतना अच्छा लगा था कि आपने 3 दिन तक पहन के रखा था। आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, रुकिए हम आपको अभी दिखाते हैं। ये देखिए, ये है वो लहंगा। अरे वाह, इतनी अच्छी मित्रता थी आप लोग की। ठीक है, आज भी है, जब आप चित्तौड़ जाएंगे ना तो स्वयं देख लीजिएगा। हम दोनों के बीच में ऊंच नीच छोटे बड़े का कोई भेदभाव ना था, ना कभी होगा। अपनी बेटी की तरह रखेंगी आपको जयवंता बाई जी। और फिर क्या पता उनके मन में भी वही भाव आ जाए आपको देखकर, जो हमारे मन में कुंवर प्रताप को देखकर आया था। माँ नहीं, मैं बोली ये ठीक नहीं होगा। और यदि यही बात जयवंता बाई जी के मन में आ गई तो क्या आप उनका मुंह भी बंद कर देंगे? नहीं, क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं। ये बात इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हैं? क्योंकि हम चित्तौड़ जाएंगे ही नहीं फूल के साथ। क्या उसकी लड़ी तो टूट गई, हम अभी ऐसे बना के। अजब से साथ चल रही है या नहीं इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा हमें। भीम, दूसरी बार बाबूजी राज को ऐसी स्थिति में देख रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर है, पर जब भी बिजोला छोड़कर जाने की बात आती है तब उनका मन उद्विग्न हो जाता है। मानो यह कुछ ऐसी चीज है जिसके छूटने का बहुत ही भय होता है उन्हें। अच्छा, लेकिन बात क्या है, क्यों नहीं जाना चाहती आप फूल के साथ? आप तो सदैव चाहती है ना। अच्छा, हंसा मासी जी, आपने अजब देखो कहीं देखा? अभी अभी यही थी हमारे साथ, पता नहीं कहाँ चले गए अचानक। कोई काम था आपको? अब पता चला आप चित्तौड़ क्यों नहीं जाना चाहती, क्योंकि आपको डर है कि कहीं फूल आपके मन की बात ना जान जाए, है ना? जी, मन की बात है ही नहीं कोई मन की बात। यदि मन में कोई ऐसी बात है ही नहीं तो कुंवर प्रताप को देखकर इस तरह अचानक क्यों छुप गई? क्यों आंखें चुरा रही थी कुंवर प्रताप से? कुंवर प्रताप की आंखें भी आपको ढूंढ रही थी। आप चिंता मत करिए माँ, बहुत जल्द जल्द हम उनके लिए एक भोली बिसरी स्मृति बन के रह जाएंगे। हम जाके फूल को उनका सामान रखने में सहायता करते हैं। प्रताप फूल कवर के साथ इसी रास्ते से गुजर रहा है ना? हम यहाँ बीच में जाल बिछाएंगे और हमला करेंगे। एक बार जब हम फूल कवर के सामने प्रताप को मार देंगे उसे ये बात अपने आप समझ में आ जाएगी कि दरअसल हम ही उसके लायक हैं, प्रताप नहीं। एक तीर से चंचा, आप जानते हैं कि प्रताप को हरा कर मारने के लिए हमारे पास फौज कहाँ है? कुछ भी तो लेकर नहीं आए हम लोग आगरे से। जानते हैं कि हम आगरे से कुछ भी नहीं लेकर आए, पर भिजवाया बहुत कुछ है हमने यहाँ।
महमूद शाह को। बस हमें अब इतना भर पता लगाना है कि हमारे तमाम असले और हथियारों को लेकर छिपा कहां है महमूद शाह। और प्रताप का राजपुताने पर असर देखकर हमें नहीं लगता कि उसने हमारे भेजे हुए तमाम असले और हथियारों का जरा भी इस्तेमाल किया होगा। ठीक है शहंशाह, सुनो, जाकर अपने चुनिंदा जासूसों को काम पर लगाओ और फौरन पता करो कि वो महमूद शाह कहां है। जाओ। वक्त आ गया जब हम शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद प्रताप को खत्म कर दे और उससे अपनी फूल कवर को छीन हमेशा हमेशा के लिए। बस मिल गया राजकुमारी जी, मिल गया। ये देखिए ये रहा। इसमें नीले नीलम कहाँ चढ़े हुए जो हमारे नीले लहंगे से मेल खाएंगे। जाइए जाके वो वाला कमरबंद लेके आइए जिसमें नीले नीलम जड़े हुए हों। फूल, नीलम वाला कमरबंद तो मारवाड़ में ही छूट गया था, याद है? आपका उससे मन भर गया था। हाँ याद आया, वो बहुत भारी भारी भी था ना, इसीलिए। आ हमारी भूल, जाइए जाके अपना काम कीजिए। फूल हमारे साथ चलो। पर कहाँ? चलिए। पर हुआ क्या? बैठ, बैठिए। अच्छा। देखिए फूल, आपको बहुत जल्दी क्रोध आता है। अपने इस प्रवृत्ति पर अभी से थोड़ा नियंत्रण करने का प्रयास करिए। चित्तौड़ जाके आपको सबका दिल जीतना है। और यदि आपको बात बात पे क्रोध आएगा तो महारानी जयवंता बाई जी आपके बारे में क्या सोचेंगी, कुंवर प्रताप आपके बारे में क्या सोचेंगे? अच्छा दी, कुंवर प्रताप को हम अच्छे तो लगते हैं ना? क्यों नहीं, बल्कि ये प्रश्न आपके मन में कैसे आया? नहीं, वो कुंवर प्रताप हमसे बहुत कम बात करते हैं ना, और आपसे जब भी वो बात करते हैं तो बहुत ही सहज रहते हैं, और हमसे बात करते समय तो सदा वो अभी रहने दीजिए इस बात को। किंतु अजब थी, जब हम चित्तौड़ जाएंगे ना तो आप हमें बताती रहिएगा कि हमें कब किससे कौन सी बात करनी है, ठीक? क्या हुआ अजब थी? कुछ नहीं, जाके आपका सामान जमा दें ताकि चित्तौड़ जाके आपको किसी चीज की दुविधा ना हो, इसलिए आप तैयार हो जाइए। छप्पन जोड़ी जूतियां लिखी, कुछ भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए सूची पत्र में, ताकि कुछ भी इधर से उधर ना हो और उन्हें जो चाहिए हो आप उन्हें तुरंत दे सके। और ध्यान रखें कि वे जिस रंग का लहंगा पहनेंगी उसी रंग से चीजें बननी चाहिए। आप तो रहेंगी ना हमें सब कुछ याद दिलाने के लिए, और यदि कोई भूल चूक हो जाए तो राजकुमारी के क्रोध से बचाने के लिए भी। फूल को स्नान में गुलाबों की पंखुड़ियां ही चाहिए होती हैं। जी। ये अजब तक चली कहाँ गई? हमें तो अभी तक पता नहीं चल पाया कि वे हमारे साथ चल भी रही है या नहीं। इतनी लंबी यात्रा है चित्तौड़ तक की, फिर न जाने वहां पे उन्हें कितनी देर तक रुकना पड़े। लाख लाख धन्यवाद एकलिंग जी, अजब देवी चल रही है हमारे साथ। आप सब लोग कहाँ जा रही हैं? कुछ काम था आपको? काम? नहीं तो वो हमारा मतलब ये जो हमारा आभूषण है उसकी लड़ी टूट गई है, हमें लगा कि आप बना देंगे इसे।
मतलब यदि अपनी यात्रा के लिए आप अपना सारा सामान बांध चुकी है और व्यस्त ना हो तो। इस आभूषण को ठीक कर लीजिएगा। ठीक हो जाएगा। रहने दीजिए इसे ऐसे। हम चित्तौड़ जाकर ठीक करवा लेंगे सब रानी माँ से। नहीं चाहिए हमें यहाँ किसी की कोई भी सहायता। धन्यवाद आचार्य। देखे गिर जाया जी, यह है छप्पनिया की राजकुमारी स्नेहलता। हमारे प्रताप के लिए हमें यह भी सुंदर लग रही है। हाँ रानी साहब, और बावजी राज के साथ इनके गुण भी बहुत मिल रहे हैं, दोनों की कुंडलियां भी मिल रही हैं। हमें तो यह भी बहुत पसंद है बावजी राज के लिए। देखिए इनकी आंखें कितनी सुंदर है। सच कितना कठिन है ना इन सब में से किसी एक को चुनना। सब एक से एक सुंदर। बस भगवान करे हमारे प्रताप इन सब को देखकर हमारी तरह भ्रम में ना पड़ जाए। आप चिंता मत कीजिए जयंता भाई जी। कैसे चिंता ना करे राणा जी, प्रताप को कहाँ है लड़कियों की समझ, उन्हें कैसे पता चलेगा कौन सी लड़की उनके लिए उपयुक्त है। वैसे एक बात कहें जयंता भाई जी, जब सही लड़की सामने आती है स्वयं पता चल जाता है, जैसे उनके दाजी राज को पता चल गया। पुरोहित जी देखिए कहीं कोई छूट तो नहीं गया हमारे निमंत्रण सूची से। एक कन्या है रानी साहब, राजपूताने के राज्यों में ही नहीं अपितु बाहर के राज्यों में भी उनकी बहुत चर्चा है। घराना भी ऊंचा है, बहुत सुंदर है वे। और तो फिर न्योता क्यों नहीं भेजा हमने उन्हें, कौन है वे? ये किसकी बात कर रहे हैं राणा जी? ये जिसकी ओर संकेत कर रहे हैं वो मारवाड़ की राजकुमारी फूल कमर है।
तो न्योता के नहीं भेजते हम उन्हें? वह महारानी धीरबाई जी की बहन का ससुराल भी है। क्षमा कीजिए हुकुम, जबान फिसल गई थी। मारवाड़ को निमंत्रण देने का अर्थ है अपना अपमान करवाना। बहुत घमंड है उनमें। अगर हम उन्हें निमंत्रण भेजते भी तो निश्चित रूप से उसे ठुकराते थे, और हम नहीं चाहते थे कि इस बात पर दोनों ओर से तलवारें खींचे। मारवाड़ की राजकुमारी हमारे महल में अपना पग भी रखे, सोच भी नहीं सकते हम। हाँ, ये अच्छी है, इन्हें रख लो। भूल! ये आप क्या कर रही हैं? आप चित्तौड़ नहीं जा सकती हैं। जानती नहीं, चित्तौड़ राज्य के साथ हमारे मैत्रिक संबंध नहीं है, और आपके बड़े दाता वो तो उन्हें अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं सर उठा के। हम वही करेंगे जो हमारा जी चाहेगा, और हमें अपनी मन की करने से कोई नहीं रोक सकता। दादा, हम चित्तौड़ जा रहे हैं और ये हमारा अंतिम निर्णय। हम कल ही जा रहे हैं मारवाड़, और हम आपको बता देते हैं कि हम जाते ही आपके बड़े दाता को साफ साफ बता देंगे कि हमारे बार बार मना करने के बाद भी आप चित्तौड़ चली गई हैं। उसके बाद आप जाने और आपके बड़े दाता राव मालदेव जी जाने सर उठा के। आपको जाना है तो अभी जाइए मारवाड़, किंतु हमारी तैयारियों में विघ्न मत डालिए। सर उठा के जाइएगा दादा भाई। बोल कुवार! शहंशाह, हमें पता चल चुका है कि मैमोशा कहां पर है। बिजोलिया के वीर सिपाहियों, हम जा रहे हैं, और हमारे जाने के बाद आप लोगों को और भी अधिक सजग रहने की आवश्यकता पड़ने वाली। कभी कभी शत्रु दिखता नहीं, पर इसका यह अर्थ नहीं हुआ कि वो नहीं रहा या फिर चला गया। हो सकता है कि वो दोबारा हम पे हमले की और भी अधिक बड़ी योजना बना रहा होगा छिपकर। इसीलिए सदा बुरी से बुरी संभावनाओं के लिए तैयार होना चाहिए। चाहे जितनी भी तैयारियां कर लीजिए कुंवर प्रताप, पर आपको इस बात का अंदाजा तक नहीं हो पाएगा कि चित्तौड़ जाते वक्त रास्ते में क्या क्या होने वाला है आपके साथ। लाल भाई जी, आप यहाँ, आपको पता है फूल आपको कब से ढूंढ रही है? वो हम राजकुमारी फूलकवर के लिए चूड़ियां लाने गए थे उपहार स्वरूप। अब क्या है कि वो तो चित्तौड़ जा रही है और हम मारवाड़ जा रहे हैं, इसलिए। कहाँ है चूड़ियाँ? क्या बात है? कुछ नहीं कुंवर प्रताप, वो क्या है ना भाई साहब, हमें कोई चूड़ियाँ पसंद ही नहीं आई। लाल भाई जी, बिना बताए महल से बाहर आना जाना राजपुतानी को शोभा नहीं देता। हम अपनी गलती के लिए क्षमा चाहते हैं भाई साहब। आप चल रही है ना हमारे साथ चित्तौड़? हम चित्तौड़ आपके साथ? क्यों, कोई समस्या है? नहीं नहीं, हमें क्या समस्या हो सकती है, ये तो सौभाग्य है हमारा। हम अभी आपके साथ चलने की तैयारियां करते हैं। आपने इन्हें क्यों ले लिया साथ में? पता नहीं, कभी कभी हम कुछ बातें अपने अंतःप्रेरणा से कर लेते हैं। आप भी करती हैं क्या? अपने मन का कहा? तर्क बुद्धि पर ही विश्वास करते हैं।
उड़ रहे हैं। बहुत सुंदर लग रही हैं आप, बहुत सुंदर। आज से पहले आप इतनी सुंदर कभी नहीं लगी हैं। ऐसा तो आप सदा कहते हैं। ठीक से बताइए, कैसे लग रहे हैं हम आज? महल में सबसे ये प्रश्न पूछ लिया है, किंतु इस उत्तर से इन्हें अभी तक संतुष्टि नहीं मिली है कि ये बहुत बहुत सुंदर लग रही हैं। अच्छा मासी जी, आपको माँ के हाथ का बना काजल भी लग रही, यानी अब आप सुंदर भी लग रही और आपको किसी की भी नजर नहीं लगी। अच्छा हम अभी आते हैं। जब देख, हमें बहुत डर लग रहा है, इतना बड़ा पगजो उठाने जा रहे, ऐसा लग रहा है मानो अपने ससुराल जाने की तैयारियां कर रहे हैं। आप घबराइए मत, जब आप अपनी पालकी में बैठेंगे जाने के लिए, तब आपके सारे भय और संशय मिट जाएंगे। आपने हमें बुलाया राजकुमारी जी? हाँ, लाल भाई जी, आपके विचार से कैसे लग रहे हैं? दीवाने तो पहले से ही थे शहंशाह, अब तो पागल ही हो जाएंगे। क्या कहा? अब तो मारे जाएंगे कुंवर प्रताप। क्या? अब हमारा मतलब है कि राजकुमारी जी इतनी सुंदर दिख रही है तो क्या होगा कुंवर प्रताप का? कैसे संभाल पाएंगे कुंवर प्रताप अपने आप को? हो गया ना आपको विश्वास? एक खूबसूरत लड़की जिसके लिए दो बहादुर दुश्मन लड़ने वाले हैं आपस में, मुकद्दर ने खून से नहाने के सारे इंतजाम कर दिए, फिर भी जाने क्यों प्रताप मुझे शहंशाह के हाथों अपनी इस खौफनाक मंजर का जबरदस्ती गवाह बनाना चाहता है। बेवकूफ। महमूद शाह, आपका नाम भी आपकी आवाम ने उस फहरिस्त में शामिल कर लिया है जो अपने आवाम की बहबूदी के लिए बड़े बड़े नेक काम करते हैं। ये जानकर हमें बड़ी खुशी हुई महमूद शाह, लेकिन इस बात का जरा सा अफसोस भी हुआ कि अब सब लोग आपको महमूद शाह नहीं, महमूद शाह लंगड़ा कहते हैं। लंगड़ा। हमें हमारी आवाम क्या कहती थी इस बात की फिक्र करने से पहले बहराम खान, क्या आप हमें यह बताने की तकलीफ गवारा करेंगे कि जब आप अपने 40,000 मुगल सिपाहियों की फौज के साथ गोला और बारूद के साथ मेवाड़ पर फतह करने के ख्वाब देख रहे थे, तब आपने क्या बिगाड़ लिया था प्रताप का? इस हारे हुए मुंह से तंजिया जुमले अच्छे नहीं लगते हैं बहराम खान। बहराम खान, महमूद शाह का पांव जरूर कट गया है पर उसके हाथों में तलवार चलाने की ताकत अभी भी बाकी है। एक पांव चप से उखड़ गया है और ज्यादा शमशीर चलाता रहता। तुम चाहो तो अपनी हसरत पूरी करके देख सकते हो।
ये अफगानी शमशीर किसी के सामने झुकने वाली नहीं है और तुम्हारे सामने तो कभी नहीं। तो आजा महमूद शाह, आज बैरम खान की तलवार के जौहर भी देख रही है दुनिया। हमें आप दोनों के फिजूल के झगड़े में कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं, अगर आप दोनों इस वक्त यहाँ लड़ते लड़ते अपना खून भी बहा देंगे तो भी प्रताप का सर नहीं मिलेगा, और हमें फकत फकत प्रताप की मौत चाहिए। लेकिन शहंशाह, इसने हमारा भेजा हुआ असला, रसद और अशर्फियों का जखीरा चुराया है। महमूद शाह, चंद सिपाहियों और हमारे भेजे हुए असलों का इस्तेमाल करके आपको क्या लगा कि आप हमारी आंखों में धूल झोंक लेंगे? हमें इस बात का पूरा पूरा यकीन है, और आपको भी इस बात को मान ही लेना चाहिए कि आपने हमारे साथ धोखा किया, हमारी आंखों में धूल झोंकने की नाकामयाब कोशिश की। हाँ शहंशाह, हमने झोंकी आपकी आंखों में धूल, लूटा है आपका दिया हुआ असला और अशर्फियों से भरा जखीरा, चुराए आपके भेजे हुए गोले और बारूद, क्योंकि मैंने सोचा कि आपके प्रताप की रंजिश का फायदा अगर मैं उठा सकता हूं तो क्यों ना उठाऊं। पर यह सब मैंने किया था अपने पांव कटने से पहले, और ये पांव प्रताप के साथ लड़ते हुए कटा है शहंशाह, और आज मैं शहंशाह इंद के सामने अहद लेकर कह रहा हूं कि अब प्रताप को मारने की बात मेरे लिए जाती जरूरत बन चुकी है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं उसको जान से मारकर रहूंगा। मैं किसी भी कीमत पर अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लेना चाहता हूं, और मुझे मालूम है इसमें सिर्फ आप ही मेरा साथ दे सकते हैं। हां शहंशाह, हमें लगता है कि महमूद शाह को एक और मौका देना चाहिए। ठीक है महमूद शाह, मगर हमें आपके सिपाहियों के साथ साथ हमारे भेजे हुए तमाम असले और गोला बारूद भी चाहिए। प्रताप को मारने के लिए हमारे दिमाग में एक चाल है। बिजौलिया से चित्तौड़ लौटते वक्त हम रास्ते पर प्रताप पर अचानक हमला करके उसे मारना चाहते हैं। शहंशाह, आप अपना खजाना भी ले जाइए, अपने हथियार गोले बारूद और असला भी ले जाइए, यहां तक कि मेरे चुनिंदा सैनिक भी ले जाइए। इतना सब करने पर भी अगर आपने प्रताप को मार दिया तो मैं आपको खून से लिखकर देता हूं, महमूद शाह ता जिंदगी आपकी गुलामी करेगा। बाऊजीराज, मार्ग में अपना ध्यान रखिएगा। पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि शीघ्र ही हमें चित्तौड़ आने का शुभ अवसर मिलने वाला है। ये तो बहुत ही शुभ समाचार है। कोई विशेष समारोह होने वाला है वहाँ? अरे जहाँ कुंवर प्रताप और उनके प्रतापी पिता राणा उदय सिंह हो, वहाँ हर दिन एक उत्सव एक समारोह होता है। बाकी सब कहाँ है? बाकी सब आते होंगे। पार्टी में बैठेंगे जाने के, तब आपके सारे भय और संशय मिट जाएंगे। समझ